नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। तो हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो अगर शुरुआती दो दिन देखा जाए, 15 और 16 अप्रैल को, तो इस दौरान चंद्रमा आपके राशि स्थान से 10वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर शनि का ट्रांजिट चल रहा है, यहाँ पर गुरु भी हैं और मंगल भी यहाँ पर उच्च के हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपको जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपके बॉस के साथ आपके संबंध कुछ मामलों को लेकर खराब हो सकते हैं, आपकी जॉब छिनने का खतरा या फिर आपकी सैलरी आदि हो जाए, और अभी हालात भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हो सकता है आपको कुछ सैलरी समय पर ना मिले, आपकी सैलरी आधी कर दी जाए, यानी कुल मिलाकर जॉब को लेकर आपको चिंता बढ़ने वाली है। तो इस स्थिति को आप अच्छी तरह से संभाल कर रखें। 15 और 16 को दो दिन ये स्थिति आपके लिए रहेगी। यहाँ पर जो ट्रांजिट है उसकी वजह से आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, आप भी उसके साथ थोड़ा संबंध को लेकर चिंताजनक स्थिति में जा सकते हैं। इसके अलावा आप फिलहाल घर पे हैं तो आपके माताजी के साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे। घर से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसके फैसले इस समय में आप ले सकते हैं। साथ में आप वर्क फ्रॉम होम इस समय कर रहे होंगे तो आप घर में कोई भी काम जो अटका हुआ है बहुत लंबे समय से उसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 17, 18 और 19 को चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लाभ भाव में रहेगा। लाभ भाव में रहने से इन तीन दिन में आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना लाभ पहले देखेंगे, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। हालांकि ये तीन दिन आपको धन की स्थिति अच्छी रह सकती है। कुल मिलाकर आप अपनी संतान से जुड़ेंगे, अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई नया डिसीजन आप ले सकते हैं आगे के लिए। इसके अलावा आप कहीं अगर शेयर मार्केट जैसे मामलों में कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसको लेकर आपको थोड़ी सी स्थितियां अभी अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ये जो तीन दिन हैं वो आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेंगे। उसके बाद 20 और 21 की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके राशि स्थान से 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। इस दौरान आपको नींद लेने में परेशानी हो सकती है। अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं तो वो हालांकि आपका थोड़ा सक्सेसफुल जरूर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य थोड़ा आपका खराब रह सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ इस वीक में आपके लिए रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।